हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने सिंगल एंट्री दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स उसके पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस इशू एंड राइट इशू, इन चैप्टर्स को भी रिवाइज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप इन चैप्टर्स को पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, इनके क्वेश्चंस को ट्राई करके आना, तो मैं मान के चलता हूं आपने थोड़ा बहुत इन चैप्टर्स को देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस टाइम बीच टाइम गैप में आपको ये चैप्टर्स तो करने ही करने हैं, प्लस जो मैं अगली वीडियो का टारगेट दूंगा वो भी आपको करके चलना पड़ेगा। देखिए, जितना आप टाइम खराब करेंगे उतना आपका वर्क पाइल ऑन होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। तो बेटर ये रहेगा थोड़ा 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 करते चले जाइए, ताकि आपका काम इकट्ठा ना। ठीक है जी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती चली जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर ऊपर जाके आपको आई बटन में वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उस वीडियोस में जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि सारी वीडियोस क्या है सर, कनेक्टेड हैं। बीच में से कोई भी वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले ऊपर आई बटन में जो आपको प्लेलिस्ट मिल रही है उसमें जाकर पुरानी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। डेट इज योर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें से 8, 10, 12, 16 इतने नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और चांसेस ये रहते हैं कि क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब कोर्स रिड्यूस हो गया है तो अब क्वेश्चन आप मान के चलिए कंपलसरी इसका आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट थे। पार्ट नंबर वन था कि कन्वर्जन ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स इनटू फाइनल अकाउंट्स, कि इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स को यूज करके हम अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे तैयार करेंगे। ये हमारा पार्ट वन था, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नहीं आपने अगर देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर दीजिएगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए जी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मेथड है, ये जनरली टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, जो असेसी की असेसमेंट करते हैं, किसी पर्सन की असेसमेंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि किसी पर्सन के ऊपर रेड हो गई है, तो रेड होने के बाद क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, गैदर करी उसने, इकट्ठा करी, अब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो क्या निकालेगा, प्रॉफिट निकालेगा। क्योंकि प्रॉफिट निकालेगा, इनकम निकालेगा, तभी तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाए जाएंगे। तो अब बात आती है कि सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से डायरेक्टली हमें प्रॉफिट निकालना है, तो वो क्या वो निकल सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल निकल सकता है। इसमें आपको करना क्या क्या है, इसमें आपको सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर वन, आपको बैलेंस शीट्स बनानी है। क्या बनानी है सर? बैलेंस शीट्स बनानी है। बैलेंस शीट बनानी है मतलब एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, ताकि आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को निकाल पाए। हाँ जी, क्या बनाएंगे आप? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ताकि आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को निकाल पाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। उसके बाद आप लोग कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार करेंगे, देखिए जी, कैपिटल अकाउंट नॉर्मल जैसे कैपिटल अकाउंट बना करता है, उस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका ओपनिंग बैलेंस निकल के आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय बैलेंस बिट, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट से आपका क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया। अब मुझे बताइए, अगर आप ड्रॉइंग्स करेंगे तो कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? आंसर इज कम होगी, तो आप कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और लिखेंगे ड्रॉइंग्स, और यहां पर आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट
ये आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी। और हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इसी को ही कैलकुलेट करने का है कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है बाय यूजिंग ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आपका एक और एस्पेक्ट बनता है इन द चैप्टर ऑफ सिंगल एंट्री। एक बार इसको क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए आईसीए के स्टडी मटेरियल से हम काम कर रहे हैं, तो आईसीए के स्टडी मटेरियल का मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक बार आप आइए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़िए, ये पेज नंबर दे रखी है आपको 14.12 पे। क्या कहता है वो कह रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 15-16 एंड 16-17 फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। ठीक है जी, 15-16 और 16-17 की उसकी क्या करी गई, असेसमेंट करी गई, और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि उसने पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्री मोती एज ऑन 1 अप्रैल 15 एंड 1 अप्रैल 17। ठीक है जी, 2 साल के बीच का डिफरेंस है, यानी कि अफसर को लग रहा है कि भैया 2 साल की इनकम ठीक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करी जी। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको 2 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो कौन कौन से 2 साल, एक तो दे रहेगा 1 अप्रैल 2015 और एक दे रहेगा आपको 1 अप्रैल 2017। तो आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, या आपके पास डेटा आ गया 1 अप्रैल 15 का, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी ओइंग टू मोती ब्रदर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऐसे 1 अप्रैल 17 का एसेट्स की इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन। वो कहता है ड्यूरिंग द 2 ईयर्स डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ। वो कह रहा है 2 साल में जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, डोमेस्टिक मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर, क्या मैं इसे ड्रॉइंग कह सकता हूँ? बिल्कुल सर, ड्रॉइंग्स कह सकते हैं। वो ड्रॉइंग्स कितनी कह रहा है, 4,000 रुपए पर मंथ। 2 साल की निकालनी है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 4,000 × 24, क्योंकि 2 साल में 24 महीने, तो 4,000 × 24। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर 1,05,000 एंड 1,23,000 फॉर 16-17। स्टेट वेयर द इनकम टैक्स कंटेंशंस इज करेक्ट एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। ठीक है जी, देखते हैं इस तरीके को, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व किया जाएगा। आपको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करें। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। तो एक आप बनाएंगे बैलेंस शीट कौन सी डेट की, ये बनाएंगे 1 अप्रैल 15 की, और एक आप बना लीजिए बैलेंस शीट 1 अप्रैल 17, क्योंकि आपको 2 साल का डेटा दे रखा है। तो ये हमने 2 साल की बैलेंस शीट तैयार करनी है। आइए देखिए जी, जो जो भी डेटा दे रखा है उसको प्रोसेस करते हैं, यूज करते हैं। 1 अप्रैल 15 में एसेट्स में आपको कैश इन हैंड क्या दे रखा है, कैश इन हैंड कितना, 25,500। ओके, इन्वेंट्री इन्वेंट्री 56,000, उसके बाद डेटर्स 41,500, लैंड एंड बिल्डिंग 190, उसके बाद वाइफ्स ज्वेलरी। ठीक है जी, वाइफ्स ज्वेलरी, बात आएगी सर वाइफ ज्वेलरी को आप एसेट क्यों दिखा रहे हो बिजनेस का? देखिए दो ऑप्शन है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा है यहां पर कि इसके बिजनेस की बात हो रही है या इसकी पर्सनल इनकम की बात हो रही है। तो आप वाइफ ज्वेलरी को एसेट दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते। सर अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए अगर आप वाइफ ज्वेलरी को एसेट नहीं दिखाते तो देखेंगे आप वाइफ ज्वेलरी में क्या इंक्रीज आ रहा है। देखिए 75,000 और 125, यानी कि 50,000 रुपए से ज्वेलरी बढ़ रही है। तो आप मान के चलोगे कि 50,000 रुपए ड्रॉइंग्स हैं आपकी। क्या है सर? ड्रॉइंग्स हैं। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़ते हम इसको एसेट दिखा देते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या दे रखा है आपको, ओइंग टू मोतीज ब्रदर, यानी कि अपने भाई साहब से लोन ले रखा है कितने का, 40,000 रुपए का, और क्रेडिटर्स हैं उसके 35,000। मुझे आप कैपिटल फिगर निकाल के दीजिए, बताइए जरा कैपिटल कितनी आएगी,
ये जो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ रही है, व्हाट विल बी द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जरा कैलकुलेट कीजिए। ये आएगी आपकी 2500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 190 प्लस 75 माइनस 40 माइनस 35, ये निकल के आती है 3,13,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा गिवन है आपको। कैश इन हैंड 16,000, ये आपने लिखा कैश इन हैंड। और उसके बाद आपको दे रखा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 91,500। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स इज योर 52,500, 52,500। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इधर देखिए आपको 190 की लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद मोटर कार 125, मोटर कार 125। उसके बाद वाइफ ज्वेलरी, अब वाइफ ज्वेलरी आपने पहले ली है तो यहां भी लेनी पड़ेगी। वाइफ ज्वेलरी कितनी 125। लोन टू मोतीज ब्रदर, लोन टू मोतीज ब्रदर, देखिए पहले आपने लोन ले रखा था, अब आपने लोन दे रखा है। कितने का लोन दे रखा है 20,000 का। ओके आगे देखें लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है आपको। लायबिलिटीज में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स 55,000 के, क्रेडिटर्स कितने के 55,000 के। एक बार चेक करते हैं और क्लोजिंग कैपिटल निकाल के, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल 16,000 प्लस 91,500 प्लस 52,500 प्लस 190 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 20 माइनस 55, 5,65,000। ये देखिए जी ओपनिंग कैपिटल भी आ गई और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जी कैपिटल अकाउंट बनाइए जी, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। अच्छा मुझे बता सकते हैं ये अकाउंट कब से कब तक का बन रहा है? ये 2 साल का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, 1 अप्रैल 15 से लेकर 1 अप्रैल 17 तक। तो आपका 2 साल का इकट्ठा प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए यहां पर मैंने 15 और यहां पर मैंने 17, यानी कि 2 साल पहले क्या बैलेंस शीट थी और 2 साल बाद क्या बैलेंस शीट है। ये दो बैलेंस शीट मैंने 2 साल के डिफरेंस में बनाई है। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा वो भी आपका क्या निकलेगा, 2 साल का प्रॉफिट निकलेगा। तो एक बार देखते हैं 2 साल का इकट्ठा प्रॉफिट कितना आता है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आपका 3,13,000, ये आपका 3,13,000 और क्लोजिंग बैलेंसेस टू बैलेंस सीडी 5,65,000। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, क्वेश्चन में आपको दे रखा था ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, 2 साल के दौरान डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ, यानी कि ड्रॉइंग्स कह सकता हूं मैं, कितनी ड्रॉइंग्स 4,000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ मतलब 24, 2 साल का मतलब 24 महीने हो गया, तो ये कितना हो गया 4,000 × 24 96,000। तो अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी दैट विल बी नेट प्रॉफिट, दैट विल बी नेट प्रॉफिट। अब ये देखो कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं तैयार करे, सिर्फ प्रॉफिट निकाला है मैंने। प्रॉफिट आपका कितना निकल के आता है 2 साल का, चेक कीजिए 565 + 96 - 3,13,348। तो 2 साल का आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है 3,48,000। अब मुझे बताइए क्या इनकम टैक्स की कंटेंशन ठीक है। देखिए जी असेसी ने जो डिक्लेयर किया है वो 2015-16 का, असेसी ने 2015
16 का जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो कितना किया? 15-16 का प्रॉफिट उसने डिक्लेयर किया 1,05,000, और 16-17 का कितना डिक्लेयर किया? 1,23,000। एक बार इनको टोटल कीजिए, इनको टोटल अगर आप करेंगे तो आपका कितना आता है? 105 प्लस 123, यह आता है 228। और हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है वो आया 348। तो इनकम टैक्स की कंडीशन ठीक है नहीं? इनकम टैक्स क्या कह रहा था? इनकम टैक्स कह रहा था कि जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है वो गलत है। तो इनकम टैक्स कंटेंशन इज एब्सोल्यूटली इनकम टैक्स ऑफिसर्स, आपको लिखना पड़ेगा, कंटेंशन इज करेक्ट। वाई करेक्ट? क्योंकि 2 साल का प्रॉफिट जो निकल के आया है वो 348 है, लेकिन एसएससी ने 228 डिक्लेयर कर रखा है। क्लियर है जी? बताइए। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है इसका। इस पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं तो ये आपका 8 नंबर या 10 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है? और जो पहले वाला पार्ट था वो आपका क्वेश्चन बनता है 12 से 16 नंबर का, वो आपका लेंथी क्वेश्चन होता है, 12 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री का चैप्टर करा दिया है ओवर। आई होप आपका ये रिवाइज हुआ होगा, एक आपका फ्लो बना होगा किस तरीके क्वेश्चन करने हैं। अब आप बैठ के तसल्ली से इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, हो जाएंगे। कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो अभी भी टाइम है, कर दीजिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स। ठीक है जी? चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस, हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, देखिए जी क्या कहता है चैप्टर। हाँ जी, अब ये वाला जो चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो 6, 8 या 10, 10 का तो खैर नहीं आता, 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और कंफर्म है आएगा ही आएगा। और चैप्टर सर बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। नाम है इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए होता क्या है, जब भी कोई नई कंपनी बनती है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइमलाइन बना दी मैंने यहाँ पर, जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो उसको इनकॉर्पोरेट होने में कुछ टाइम लग जाता है। लेट अस से 3 महीने का टाइम लग गया इनकॉर्पोरेट होने में। तो ये जो 3 महीने का पीरियड है ये कहलाता है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये जो उसके बाद का टाइम पीरियड है इट मे बी 9 मंथ्स और इट मे बी 12 मंथ्स, जो भी टाइम पीरियड है ये कहलाएगा हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का आइडिया था कि हम अपनी कंपनी अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर ले, लेट अस से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर जो डेट है, लेट अस से ये डेट है हमारी 1 जनवरी 2018, यहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, यहां से 1 जनवरी से हम कंपनी फॉर्म में काम करा करेंगे। और कंपनी बनकर तैयार हुई हमारी 1 अप्रैल 2018 को। 3 महीने का टाइम लग गया कंपनी इनकॉर्पोरेट होने में, क्योंकि कंपनी में सर कई सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कई सारे फॉर्म्स वगैरह फाइल करने होते हैं, आरओसी से कम्युनिकेट करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मान के चलते हैं लेट अस से 3 महीने का टाइम पीरियड लग गया, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा दैट इज योर 9 मंथ्स का टाइम। हम ये 12 मंथ्स का केस हटाते हैं, 9 मंथ्स का टाइम, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 18 तक, इसको 31 दिसंबर तक लेते हैं, 31 दिसंबर 2018 तक का ये जो 9 महीने का टाइम है ये कहलाएगा हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब जो प्री इनकॉर्पोरेशन में कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस इनकर किया, जो प्री इनकॉर्पोरेशन में कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस इनकर किया, क्या उसको आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कहोगे? मुझे बताइए, क्या आप उसको कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कहोगे? आंसर इज सर कहलाया तो कंपनी का ही जाएगा, लेकिन कंपनी के ऑर्डिनरी पीएनएल अकाउंट में वो नहीं जाएगा। अगर वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं, तो वो इस पार्टनरशिप फर्म की वजह से प्रॉफिट कमाया गया है, तो ये जो प्रॉफिट है वो कंपनी का क्या कहलाया जाएगा? दिस विल बी योर कैपिटल रिजर्व। और अगर लॉस हो गया तो वो लॉस क्या कहलाया जाएगा? एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं गुडविल के नाम से जानते हैं, वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? गुडविल
कहलाई जाएगी, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है जी? अब इसमें हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जनरली हमें रेशियोज देखनी पड़ती है कि हमें एक पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब पूरे साल का पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा, और जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हमें उस प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें हमें कुछ रेशियोज देखनी पड़ती है कि कौन से आइटम को किस रेशियो में डिवाइड किया जाए। तो वो रेशियोज एक बार देखते हैं, जो इस चैप्टर में आपको रेशियोज यूज करनी है, इसमें सबसे पहले आपको जो रेशियो यूज करनी है दैट इज योर सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में कितनी सेल हुई है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितनी सेल हुई है, उसकी रेशियो निकाल लीजिए, और सेल्स रेशियो में आप कौन कौन सी आइटम को डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो में आप कौन कौन सी आइटम को डिवाइड करेंगे, इसमें आप कंपनी का जीपी या ग्रॉस लॉस, जीपीजीएल को आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर सेल्स रेशियो गिवन नहीं है तो जीपीजीएल को आप सीओजीएस की रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, और कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सेल से रिलेटेड, लाइक कैरेज एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज इनवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस, सेलिंग कमीशन, और कंपनी के एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस, डेटर से जो बैड डेट्स हो जाते हैं क्योंकि बैड डेट्स डेटर्स के होते हैं और डेटर्स सेल्स के थ्रू आती हैं, और कंपनी की सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज पे जो भी खर्चा होगा। मतलब देखो आपको क्या देखना है, आपको देखना है बेस्ट सूटेबल अजम्पशन कि कौन सी आइटम किस से डायरेक्टली लिंक होके चल रही है, उस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशियो की हमारी कुछ आइटम बनती है। उसके बाद जो रेशियो यूज होती है दैट इज योर टाइम रेशियो। अगर कोई आइटम, कोई एक्सपेंसेस हमारे सेल्स रेशियो में डिवाइड नहीं हो पाते वो टाइम रेशियो में चले जाएंगे। टाइम रेशियो में जनरली रेंट डिवाइड होता है, सैलरी ऑफ द स्टाफ वो डिवाइड होती है, और आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस डिवाइड होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, ये सब डिवाइड हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन, ये भी आपका टाइम रेशियो में डिवाइड होके चलता है। ठीक है जी? और उसके बाद कुछ ऐसे खर्चे होंगे आपके, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के रहेंगे। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के रहेंगे, जैसे कि जो कंपनी के, सिर्फ कंपनी के होते हैं खर्चे। देखिए कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी के बिना हो ही नहीं सकते, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब बताइए डिबेंचर्स कौन इशू करता है, क्या डिबेंचर पार्टनरशिप फॉर्म इशू कर सकती है? आंसर इज नो। डिबेंचर कौन इशू करता है? डिबेंचर कंपनी ही इशू कर सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसका होगा? कंपनी का एक्सपेंस है। और मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, अब बताइए मैनेजिंग डायरेक्टर किसमें होते हैं? एमडीज तो कंपनी में होते हैं, तो रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर्स ये भी किसमें होगी? कंपनी के ही खर्चे होंगे, दैट इज योर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और बताइए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कंपनी के होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर भी कंपनी इशू करती है तो शेयर इशू एक्सपेंस भी कंपनी का जाएगा, अंडरराइटिंग कमीशन ये भी कंपनी की रहेगी। क्लियर है? ओके उसके बाद जो हमारी आइटम आती है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल। ये एक आपकी इंपॉर्टेंट आइटम है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल। इसमें क्या होगा, देखिए वेंडर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जिससे बिजनेस एक्वायर किया, मतलब कंपनी ने अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एक्वायर किया है तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म को कुछ परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। अगर आपने थोड़ा अमेलगमेशन वगैरह के टॉपिक पढ़ रखे होंगे तो ये आपको पता लगेगा परचेज कंसिडरेशन क्या होती है। जब किसी, कोई भी एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के बिजनेस को खरीदती है तो उसको पैसा पे करती है, वो पैसा कहलाता है हमारा परचेज कंसिडरेशन। तो अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर कर रही है, उसके बिजनेस को एक्वायर कर रही है, तो उसको वो क्या पे करेगी? परचेज कंसिडरेशन। तो अगर परचेज कंसिडरेशन टाइमली पे नहीं करी जाती है तो उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। उस पे क्या लग जाता है? इंटरेस्ट लग जाता है। तो अगर तो इंटरेस्ट कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले पहले ही, सॉरी अगर कंसिडरेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले पहले ही पे कर दी गई है तो सारा का सारा इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। और अगर कंसिडरेशन इनकॉर्पोरेट होने के बाद पे करी गई है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद पे करी गई है, फिर आप इसको एलोकेट करोगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट। कुछ आपका प्री रहेगा, कुछ आपका पोस्ट पीरियड का एक्सपेंस बनेगा। क्लियर है जी? हाँ जी। उसके बाद एक आपका एक्सपेंस आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस को कैसे डिवाइड करोगे? देखिए ऑडिट फीस को डिवाइड किया जाएगा एज पर इट्स नेचर। अगर तो ऑडिट है टैक्स ऑडिट,
अगर ऑडिट है टैक्स ऑडिट, आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन 44AB, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44AB होता है, वो कहता है कि जिस भी एंटिटी की, जिस भी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर की है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ये जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है ये कौन सी आइटम पर बेस्ड है, ये जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है ये कौन सी आइटम पर बेस्ड है, ये लिंक्ड है टर्नओवर से, टर्नओवर मतलब सेल से। तो मैं कह सकता हूं कि टैक्स ऑडिट की फीस को आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि जिससे लिंक्ड है उससे भी डिवाइड करोगे। उसके बाद अगर कंपनी ऑडिट की बात करूं, अगर मैं कंपनी ऑडिट की बात करूं तो कंपनी ऑडिट की फीस एक्सक्लूसिवली पोस्ट में जाएगी। वाई पोस्ट में, क्योंकि इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही तो कंपनी ऑडिट होगा, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में डाल दिया तो प्री इनकॉर्पोरेशन में तो कंपनी थी ही नहीं तो उसका ऑडिट भी नहीं हो सकता। तो ऑडिट कब होगा, जब कंपनी बनेगी, तो वो सारा का सारा आपका किसमें चला जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। तो ये कुछ आपकी आइटम्स रहती हैं। अब इसके भी आपको क्वेश्चंस देखने की, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, मैं एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, उससे आपका एक तरीका आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करके चलना है। देखिए आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, आईसीआई स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 5.12, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये पेज नंबर 5.12 इलस्ट्रेशन नंबर 4। पेज 5.12 इलस्ट्रेशन 4th। देखिए ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है। हाँ जी, ये कहते हैं द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एमए प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है मैत्री एजेंसीज के नाम से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वो अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012, जो भी ले लीजिए 1 जनवरी 2012 से। द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड एट 1 करोड़ 17 लाख। ठीक है जी, जो कंपनी फॉर्म को पे करेगी वो कंसिडरेशन कितनी निकल के आई है, 1 करोड़ 17 लाख रुपए, बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2011। हाउएवर ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफिकल्टीज द कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है जी, 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया और 1 अप्रैल को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मीन वाइल द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड कंसिडरेशन वॉज सेटल ऑन दैट डे विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इस पॉइंट का मतलब बताइए, वो कह रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक जो फर्म थी उन्होंने कंपनी के बिहाफ पर ही काम किया, और कंसिडरेशन कब डिस्चार्ज होगी है, 1 अप्रैल को ही सारी कंसिडरेशन डिस्चार्ज होगी है टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मुझे बताइए क्या परचेज कंसिडरेशन हमारी इनकॉर्पोरेट होने से पहले पहले डिस्चार्ज होगी या उसके बाद में भी जारी है। आंसर इज इनकॉर्पोरेट होने से पहले पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी है। तो अगर इनकॉर्पोरेट होने से पहले डिस्चार्ज होगी है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट कंपनी ने पे करा होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का एक्सपेंस कहलाएगा। वो कह रहे थे सेम बुक्स ऑफ वर्क कंटिन्यूड विच वर क्लोज्ड इट्स अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2013 एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 1 जनवरी से लेकर आपको 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2013 तक का आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा है। सर ये तो 15 महीने हो गए। देखिए आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, कंपनी लॉ कहता है कि अगर कंपनी पहली पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है, अगर कंपनी कंपनी का पहला साल है तो पहला साल उसका जरूरी नहीं है 12 महीने हो, वो पहला साल 15 महीने का भी रख सकती है। ये कंपनी लॉ में अलाउड है, तो ये आप कंपनी लॉ में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 जनवरी 2 को इन्होंने डिसाइड किया टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू कंपनी। ठीक है, अब कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 अप्रैल 2012 को, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2003 को। ठीक है जी, मुझे यहां से आप टाइम रेशियो बता सकते हो, व्हाट इज टाइम रेशियो। टाइम रेशियो तो सर सिंपल सी बात है, जनवरी से अप्रैल तक का ये कितने महीने हो गए, ये हो गए 3 महीने, और ये कितने महीने हो गए, ये हो गए आपके 12 मंथ्स। तो ये हो जाएगी सिंपल 3:12। तो
1:4 की आपकी क्या होगी, टाइम रेशियो होगी। ओके जी, अब मुझे बताइए कंसिडरेशन कब डिस्चार्ज होगी, इस डेट पे कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज, कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम के साथ, इंटरेस्ट के साथ, यानी कि जो भी परचेज कंसिडरेशन में इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो सारा का सारा किसमें कहलाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कहलाएगा। ओके जी, अब देखिए वो कह रहा है 15 महीने का आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा है, सेल्स दे रखी है, सीओजीएस दे रखे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था या तो जीपी निकाल लो, सेल्स माइनस सीओजीएस करके जीपी निकालो और जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, नहीं तो आप सेल को सेल रेशियो में करो, सीओजीएस को भी सेल रेशियो में करो। बात देखिए सैलरीज, सैलरीज के बारे में देखते हैं, सैलरीज 11,70,000, बताइए सैलरी किस रेशियो में जाएगी, सैलरी जानी चाहिए टाइम रेशियो में अगर कुछ उसकी एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट, डिस्काउंट किसको दिए जाते हैं सर, डिस्काउंट दिए जाते हैं डेटर्स को, और डेटर्स किससे कनेक्टेड है, सेल्स से कनेक्टेड है, तो डिस्काउंट भी किसमें जाएगा, सेल्स रेशो में। एमडी रेमुनरेशन बताइए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, एमडी किसके होते हैं, एमडीज होते हैं कंपनी के, तो कंपनी का एक्सपेंस है, मतलब सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का एक्सपेंस बनेगा। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस ये हमारा टाइम रेशो में जाएगा। शोरूम रेंट, रेंट वैसे तो टाइम रेशो में जाना चाहिए लेकिन अभी देखते हैं कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखते हैं अभी, इंटरेस्ट को कुछ करना है कि इंटरेस्ट में भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। वो कह रहा है द कंपनी ओनली बोरिंग वाज अ लोन ऑफ ₹50 lakh एट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसीडरेशन ड्यू टू द फर्म फॉर वर्किंग कैपिटल एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया, कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस कितना है 9,51,000 का। अब वो कह रहा है कंपनी ने जो लोन लिया था, कंपनी का लोन वो था 50 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मुझे बताइए कंपनी कितने साल के लिए काम करा, कितने महीने के लिए काम किया, कंपनी ने पूरे 12 महीने, तो मैं कह सकता हूं कि पूरे 12 महीने का दैट इज 6 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है, इस 951 में से 6 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा कंपनी का है, मतलब सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, और बाकी जो बचा 351 का इंटरेस्ट, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन टाइम रेशो। अब 351 का इंटरेस्ट क्या होगा, 351 का इंटरेस्ट है सर ये जो परचेज कंसिडरेशन दे रही है इसका इंटरेस्ट है 351 का। अब बताइए परचेज कंसिडरेशन कब डिस्चार्ज होगी थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, तो मैं कह सकता हूं कि ये 351 का पूरा इंटरेस्ट किसमें चला जाएगा, आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। क्लियर है जी, तो इंटरेस्ट की बात हमारी यहां पर खत्म होती है। उसके बाद वो कहता है द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कंपनी की जो मंथली सेल है वो 1 अप्रैल से यहां से डबल होनी शुरू हो गई, तो इसके लिए आप एक सेल्स रेशियो बनाएंगे वर्किंग नोट में, सेल्स रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप मान के चलेंगे लेट एवरेज मंथली सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बी एक्स। अगर मैं प्री इनकॉर्पोरेशन की मंथली सेल को एक्स मान लू तो मुझे बता सकते हैं पोस्ट की क्या रहेगी, बताइए जी पोस्ट की क्या रहेगी, पोस्ट की रहेगी 2x, क्योंकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा कब से स्टार्ट है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और वो ही कह रहा है कि 1 अप्रैल से कंपनी की सेल क्या होगी, डबल होनी शुरू हो गई है। अब मुझे बताइए रेशो की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स बताइए x इंटू 3, 3 महीने का पीरियड है तो 3x हो गया, टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स ये क्या रहेंगी, ये रहेंगी 2x इंटू 12, क्योंकि 12 महीने का पीरियड है तो ये हो गया 24x, तो रेशो क्या बन गया आपकी 3x इज टू 24x, दैट इज ये रहेगी आपकी 1:8, सेल्स रेशो क्या रहेगी आपकी 1:8, बताइए जी इसको यूज कर देंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। आगे वो कहता है सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम डेट दिन, ठीक है जी, वो कह रहा है 1 अप्रैल से सैलरी 3 गुना हो गई, सैलरी की रेशो निकालनी पड़ेगी आपको यहां पर, सैलरी रेशो,
सैलरी रेशियो। सैलरी रेशियो के लिए क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है लेट एवरेज मंथली सैलरी फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बी एक्स, तो पोस्ट की क्या रहेगी? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सैलरी रहेगी, वो कह रहा है 3 टाइम्स हो गई है। ट्रिपल बोला था ना उसने, एक बार चेक करते हैं। ट्रिपल यानी कि 3 टाइम्स। तो बताइए टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन सैलरी कितनी हो जाएगी? एक्स इंटू थ्री दैट इज 3x, एंड टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सैलरी, टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सैलरी 3x इंटू 12, तो ये होगी आपकी 36x। तो रेशियो क्या रहेगी आपकी? 3x इज टू 36x दैट इज 1:2। क्या रहेगी? 1:12। बताइए जी, सैलरी रेशियो भी समझ में? ओके, अगली एडजस्टमेंट वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट वॉज 30,000 पर मंथ। कंपनी ने, देखिए 1 जुलाई की बात करूं तो मैं कंपनी बोलूंगा क्योंकि कंपनी 1 अप्रैल को तैयार हो गई थी। कंपनी ने कोई एडिशनल स्पेस लिया, उसका रेंट क्या था? 30,000 रुपए पर महीने का। मुझे बताइए टोटल रेंट कितना है कंपनी का? जो कंपनी का टोटल रेंट एक्सपेंस है दैट इज 720। तो इसकी वर्किंग आप किस तरीके से बनाएंगे? रेंट की एलोकेशन करनी है आपको। टोटल रेंट इज 720। अगर मैं बोलूं इसमें से एडिशनल रेंट, मुझे बता सकते हैं एडिशनल रेंट? एडिशनल रेंट कब से कब तक का? वो कह रहे हैं एडिशनल रेंट ऑक्यूपाई किया कंपनी ने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का, यानी कि 9 मंथ्स का, दैट इज 30,000 इंटू 9, तो ये कितना हो गया? 2,70,000। तो माइनस कीजिए 720 माइनस 270, ये हो गया आपका 4,50,000। तो ये जो 4,50,000 है ये आपका हो गया ओल्ड प्रिमाइस रेंट फॉर कितने महीने का? ये आपका रेंट है 15 महीने का। कितने महीने का? 15 महीने का, क्योंकि ये तो एडिशनल, ये तो पुरानी स्पेस है, एडिशनल स्पेस तो 1 जुलाई को एक्वायर की गई है। तो अब आप रेंट को एलोकेट कीजिए, ओल्ड रेंट प्री एंड पोस्ट। ओल्ड रेंट को किस में डिवाइड करेंगे बताइए? ओल्ड रेंट को तो टाइम रेशियो में, नॉर्मली टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या थी? टाइम रेशियो थी हमारी 1:4, तो 450 को डिवाइड करेंगे 1:4 में, तो ये कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 90। और 360, और जो आपका एडिशनल रेंट है, और जो आपका एडिशनल रेंट रहेगा, एडिशनल रेंट प्री का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि एडिशनल रेंट ही आपका कब आया? 1 जुलाई से, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो 1 जुलाई आपका पोस्ट पीरियड में चला गया, तो सारा का सारा ये 270 का जो रेंट है वो किस में चला जाएगा? 4 पोस्ट पीरियड में। तो अब आप चेक भी कर सकते हैं, 360 प्लस 270 प्लस 90 विल बी 7,20,000। बताइए जी, ये क्लियर हुआ? बताइए ये क्लियर हुआ? अब ये आपके एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई है, तो आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। करके दिखा देता हूं आपको, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये आपका पर्टिकुलर्स की आइटम, यहां पर आपको बेसिस भी देना होता है कि आप कौन सी आइटम को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अमाउंट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अमाउंट। बताइए जी, सेल्स, अच्छा एक आपको टोटल अमाउंट भी देना पड़ेगा, सेल्स का अमाउंट। सेल्स कितनी है जी?
सेल्स टोटल कितनी थी? अब आप ऊपर से उठाते हुए चलेंगे आइटम को, सेल्स 2 करोड़ 34 लाख, 2 करोड़ 34 लाख। बताइए सेल्स के लिए आप कौन सी रेशियो यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सेल्स रेशियो। एंड सेल्स रेशियो क्या है आपके क्वेश्चन में? अभी हमने निकाली थी सेल्स रेशियो 1:8। सेल्स रेशियो क्या है आपकी? 1:8। तो डिवाइड कीजिए इसे 1:8 में, 2 करोड़ 34 लाख्स को 1:8। डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आपका 26 लाख। एंड 2 करोड़ 8 लाख, 2 करोड़ 8 लाख्स। चेक कर लेते हैं ये फिगर्स ठीक है या नहीं। 26 लाख एंड 2 करोड़ 8 लाख्स। ओके, लेस करेंगे आप क्या? अब लेस करते हैं, चलिए क्या क्या, सीओजीएस। सीओजीएस अगेन आप किस में करेंगे? सेल्स रेशो में। सीओजीएस का अमाउंट कितना है? 1 करोड़ 63 लाख 80 थाउजेंड, 1 करोड़ 63 लाख 80 थाउजेंड। इसको अगेन आप सेल्स रेशो में डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप जीपी निकाल के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1:63:80 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 18 लाख 20 हजार, 18 लाख 20 हजार। और ये हो गया आपका 1:63:80 - 18 20, 1 करोड़ 45 लाख 60 थाउजेंड, 1 करोड़ 45 लाख 60 थाउजेंड। ओके, सीओजीएस के बाद सैलरीज बताइए जी। सैलरीज जो है हमारी टोटल कितनी है? 11 लाख 70 थाउजेंड। सैलरीज के लिए तो हमने अलग से रेशियो निकाली है, दैट इज सैलरी रेशियो। आप वर्किंग नोट की रेफरेंस भी दे सकते हैं या सैलरी रेशियो बोल सकते हैं। क्या निकालती सैलरी रेशियो? चेक करिए, सैलरी रेशियो निकालती हमने 1:12। तो 1:12 को यूज करेंगे यहाँ पर, 11 लाख 70 थाउजेंड को 1:12 में पार्टी की, 1170 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया 90,000। तो प्री और पोस्ट में 10 लाख 80 हजार। ओके, सैलरी के बाद उसके बाद आती है आपकी आइटम डेप्रिसिएशन 180। बताइए डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? डेप्रिसिएशन 180 बोलिए। टाइम रेशो, नॉर्मल टाइम रेशो। टाइम रेशो क्या थी? टाइम रेशो थी हमारी, ये निकाल दी हमने 1:4। टाइम रेशो देख लेते हैं, 1:4, तो 180 को 1:4 में डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 36,000। और 180 - 36,000, ये हो गया 1,44,000। ओके, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बताइए। एडवर्टीजमेंट किस लिए करी जाती है? टू प्रमोट द सेल्स। तो ये भी सेल्स से रिलेटेड हो गया, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? सेल्स रेशियो। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 7,02,000, 7,02। सेल्स रेशियो बताइए, सेल रेशियो थी 1:8, तो हो जाएगा 7,02 9, 78,000। और ये हो जाएगा 624। ओके, एडवर्टीजमेंट के बाद आपका आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में जाएगा? डिस्काउंट जाएगा हमारा सेल्स रेशियो में, और डिस्काउंट अमाउंट इज 11,70,000, 11,70,000। एक बार चेक करते हैं, 1170 है ना, देख लो 1170 को 1:8 में, 1170 डिवाइडेड बाय 9, 130 -130, 10,40,000। ओके, डिस्काउंट के बाद एमडी रेमुनरेशन बताएंगे जरा। एमडी रेमुनरेशन किस में जानी चाहिए? एमडी रेमुनरेशन, ये सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है। क्यों पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है? क्योंकि एमडी कंपनीज के होते हैं, ये कंपनी का एक्सक्लूसिव एक्सपेंस है। तो हो जाएगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस।
तो ये प्री में जाएगा ही नहीं। कितना अमाउंट है? 90,000। उसके बाद मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा? ये आपका दे रखा है 120। किस में डालूं? ये जाएगा आपका टाइम रेशियो में, क्योंकि ये कहीं से लिंक्ड नहीं है, टाइम रेशियो में चला जाएगा 1:4 में। तो 1:4 का मतलब हो गया 5। 120 डिवाइडेड बाय 5, 24,000, और माइनस कीजिए, -24,000, ये हो जाएगा आपका 96,000। इसके बाद ऑफिस रेंट, रेंट बताइए, रेंट अभी हमने एलोकेट किया कितना था? 90 तो प्री में, हाँ जी 90,000 तो प्री में, और पोस्ट में कितना जाएगा? टोटल कीजिए दोनों को, 360 प्लस 270, ये हो गया आपका 630। 630 यानी कि 7,20,000 को आपने क्या किया, एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं एक्चुअल बेसिस, जो एक्चुअल दे रखा आपको। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी हमने एलोकेट किया था ऑन एक्चुअल बेसिस। ये जो 951 का इंटरेस्ट था, इसको भी हमने क्या किया, एक्चुअल बेसिस पे एलोकेट किया। बताइए कितना था? 351 यहां था और 6 लाख रुपए यहां पर था। अब बताइए कंपनी का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था कंपनी का? प्रॉफिट आ गया था, ये जो क्वेश्चन में गिवन था, 19,17,000। अब आप मुझे बताइए प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है और पोस्ट कितना है, प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है और पोस्ट कितना है, कैलकुलेट कीजिए। ये सारी आइटम याद रखना, ये सारी आइटम यहां से आता कि लेस करने वाली आइटम्स है, यहां से एंड तक की जितनी भी आइटम है ये सारी आइटम ये आपकी लेस होंगी। करिए 26 लाख माइनस 18, 20 माइनस 90 माइनस 36 माइनस 28 माइनस 130 माइनस 24 माइनस 90 माइनस 350। ये तो आ गया लॉस, ये ट्रैक करते हैं, लॉस आ रहा है 19,000 का। बिल्कुल जी, ये आ गया आपका लॉस, यानी कि प्री पीरियड में तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस को कहाँ डालेंगे? ये आपकी एक्विजिशन का पार्ट बनेगा, ये आपकी गुडविल में जाकर डेबिट हो जाएगा, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है ना उसमें जाकर डेबिट हो जाएगा। अब पोस्ट में देखते हैं प्रॉफिट आएगा, फिर पोस्ट में कितना आ रहा है, 2,08,208 माइनस 1,45,60,000 माइनस 10,80 माइनस 144 माइनस 624 माइनस 10,40 माइनस 90 माइनस 96 माइनस 630 माइनस 6 लाख, दिस इज 19,36,000। कितना ही आपका? 19,36,000। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 1936 में आप माइनस कर देंगे 19,000, दैट मस्ट बी इक्वल टू 19,17,000। और ये 1936 कहाँ जाएगा? ये आपका नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट है बिजनेस का। क्लियर है जी? तो ये क्वेश्चन आपका 8 से 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना इस चैप्टर को। क्लियर है जी? तो ये हमारा चैप्टर था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज योर बोनस एंड राइट इश्यू। पहले बोनस इश्यू देखेंगे, फिर राइट इश्यू में तो कोई एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर आइए। हाँ जी, अब हम देखते हैं बोनस इश्यू। बोनस इश्यू को टॉपिक क्या कहते हैं? देखिए बोनस इश्यू मीन्स इश्यू ऑफ शेयर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नोन एज बोनस इश्यू। ठीक है जी? अब बात आती है, सर कंपनी ऐसा करती क्यों है, कंपनी फ्री में शेयर बांटती क्यों है? टू इंक्रीज इट्स नेट वर्थ। जब कंपनी को अपनी नेट वर्थ बढ़ानी होती है, मतलब अपनी कंपनी को कैपिटल एम्प्लॉयड या शेयर कैपिटल बढ़ानी होती है, तो वो क्या करती है, जनरली
फ्री में शेयर्स बांटने शुरू कर देती है। अब फ्री में शेयर बांटने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा यूटिलाइज तो करना पड़ेगा। तो वो पैसा यूटिलाइज किया जाता है थ्रू इट्स फ्री रिजर्व्स, कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी लॉ का सेक्शन 63 लगता है इन द बोनस इशू। सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 कहता है कि कंपनी जब भी बोनस इशू करेगी तो पैसा यूटिलाइज कर सकती है फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम के सेक्शन 52 में कंडीशंस देखेंगे, पांच जगह सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, वहां पर पांच में से एक कंडीशन क्या है, कंपनी अपने बोनस शेयर भी इशू कर सकती है एंड थ्रू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर अकाउंट। ये सीआरआर कब बनता था अगर आपको याद हो तो, इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व, यहां से पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है। कंपनी रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकती। क्या कंपनी कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकती है? आंसर इज कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकती है इफ इट इज रियलाइज्ड इन कैश। अगर कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज हुआ है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर कोई प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में डाला है, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग के प्रॉफिट को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है जी, अब और कंपनी लॉ की क्या क्या कंडीशन है। कंपनी लॉ कहता है कि जो बोनस इशू है वो ऑथराइज होना चाहिए इन द आर्टिकल्स, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि दैट कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। उसके बाद बोनस शेयर्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। हाँ जी, बोनस शेयर की रिकमेंडेशन कौन देगा? बोर्ड देगा। और इसको ऑथराइज कौन करेगा? इसको ऑथराइज किया जाएगा इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद जैसे डिविडेंड में होता था ना, डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड और उसको ऑथराइज करता है शेयर होल्डर, सेम फॉर बोनस इशू, रिकमेंड करता है बोर्ड और ऑथराइज कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। उसके बाद कंडीशन है कि कंपनी की कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट किस रिस्पेक्ट में? डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ, नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट्स एंड डेट सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, डिफॉल्ट किसका? ना तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट में, ना कोई प्रिंसिपल पेमेंट में, डिपॉजिट्स की और डेट सिक्योरिटीज की। अगर कोई डिफॉल्ट है तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। दूसरा, कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या क्या आएगा? कोई भी लीगल ड्यूज, लीगल ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंप्लॉइज, इंप्लॉइज के लीगल ड्यूज, एम्प्लॉयज के लीगल ड्यूज में आता है पेमेंट टू ग्रेच्युटी फंड, पेमेंट टू पब्लिक, पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, पेमेंट टू बोनस। ये सब में कोई भी क्या ना हो, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी के कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, अगर कंपनी के कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो उन पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले कंपनी फुली पेड अप में कन्वर्ट करेगी, तभी बोनस इशू होंगे। क्योंकि बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो कंपनी के अगर कोई भी पार्टली पेड शेयर है तो पहले उनसे पैसा मंगवाया जाएगा। अगर पैसा नहीं देते तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स को फोरफीट कर सकती है या कॉल्स को वेव करके भी बोनस इशू कर सकती है। अभी बताऊंगा कॉल वेवर क्या होते हैं। उसके बाद बोनस एक बार कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी को बोनस बांटना पड़ेगा। कंपनी बोनस को डिविडेंड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। डिविडेंड हमेशा कैश में होता है और बोनस एक अलग चीज है। बोनस एक बार कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो बोनस शेयर्स कंपनी को इशू करने ही पड़ेंगे। ओके जी, उसके बाद अगर कंपनी के कोई भी कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज है, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वगैरह कंपनी ने इशू करे हैं, तो उन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का भी राइट आ जाता है कि वो बोनस इशू, बोनस शेयर्स ले सकते हैं जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन द शेयर्स। जैसे क्या होता है कि कंपनी के कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो जब वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इक्विटी वालों को बोनस मिल चुका है, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी क्लेम कर सकते हैं बोनस फ्रॉम द कंपनी। ये कहां लिखा है? ये लिखा गया है सेबी की रेगुलेशंस में लिखा गया है। ठीक है जी, अब एक बार देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से रहेगा। ये कुछ कंपनी लॉ की बातें थी, अब ये कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे। वैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको दो तरीके से स्टडी करना है। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर का मतलब हो गया फ्री शेयर, फ्री में शेयर इशू करती है, या एक होता है बोनस कॉल,
बोनस कॉल का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कॉल वेव कर दी, वेवर ऑफ कॉल, कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला कि भैया कॉल देने की जरूरत नहीं है, हम आपके शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट करें, आगे पैसे मत दो, वो भी एक तरीके से फ्री हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पैसा कहां कहां से यूटिलाइज हो सकता है, देखिए जिसके कम से कम यूज होते हैं उसको सबसे पहले यूटिलाइज करना चाहिए, सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे हम सीआरआर को, क्योंकि सीआरआर हमेशा बोनस के लिए यूज हो सकता है और कहीं यूज ही नहीं हो सकता। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और उसके बाद कंपनी के फ्री रिजर्व आ सकते हैं, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आ सकता है और पीएनएल आ सकता है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स। और अगली एंट्री क्या बनेगी, इस बोनस को कन्वर्ट कर देंगे इन द शेयर कैपिटल, दैट इज बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद कॉल वेवर के लिए, कॉल वेवर में कंपनी लॉ में लिखा गया है कि कॉल वेवर के लिए आप सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ कॉल वेवर, तो आप किसको यूज करते हैं, आप सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं टू वेव द कॉल, दैट इज जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, बोनस कॉल के नाम से। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कॉल को ड्यू करेंगे, जैसे कि शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर शेयर कॉल को बोनस से एडजस्ट कर देंगे, दैट इज बोनस कॉल डेबिट टू शेयर कॉल। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास एज गिवन इन सेक्शन 63। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां से निकल के आया, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 30। ठीक है जी, तो ये हमारा बोनस का टॉपिक था। अब एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, आपके स्टडी मटेरियल से ही दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, क्योंकि चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है आपके चैप्टर की, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2001। 40,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं आपको, 10 ईच, दैट इज 4 लाख रुपीज के। उसके बाद आपको सीआरआर दे रखा है 55,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 30,000 का, जनरल रिजर्व 1,05,000 के, और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको 50,000 का। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 for every 4 शेयर हेल्ड, 1:4 की बोनस है, यानी कि 40,000 शेयर होल्डर्स को कितने बोनस इशू होंगे, 10,000 शेयर एज बोनस इशू करे जाएंगे। एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड देर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, वो कह रहे हैं फ्री रिजर्व को कम से कम यूटिलाइज करना है, वो हम वैसे भी करके चलेंगे, पास द जर्नल एंट्रीज। बताइए जी अमाउंट कितना बनेगा, 1 लाख रुपए का बोनस का अमाउंट बनेगा, तो 1 लाख कहां से यूटिलाइज हो सकता है, 1 लाख के लिए 55,000 तो आप क्या यूज करेंगे, सीआरआर यूज करेंगे, 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, और बाकी जो बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व या पीएनएल किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए जी, 55,000 सीआरआर हो गया, 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर दैट इज 50,000, और 1 लाख रुपए का बोनस टू शेयर होल्डर, उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। तो ये आपकी बोनस की एंट्रीज बन गई। बोले जी समझ में आया ये चीज, हाँ जी। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट बोनस इश्यू। तो ये चैप्टर में क्वेश्चन देखो आ जाता है, इसका ना जनरली क्या होता है कि बोनस की एडजस्टमेंट आपके साथ आपको जो मिलेगी वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मिल सकती है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टॉपिक में मिल सकती है। तो ये क्लब करके हम चैप्टर्स करके चलते हैं। अगला जो चैप्टर है दैट इज योर राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है, राइट इशू मतलब होता है सस्ते शेयर इशू करना, सस्ते शेयर इशू करना टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते शेयर ऑफर करती है, सस्ते कहां से, सस्ते मार्केट प्राइस से सस्ता शेयर ऑफर करती है, जैसे कि मार्केट प्राइस है 110 रुपए का और कंपनी ने बोला कि आओ ये शेयर 80 रुपए में खरीद लो, आओ ये शेयर कितने में खरीद लो, 80 रुपए में खरीद लो, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सस्ता शेयर ऑफर कर दिया टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब उसमें होगा क्या, अब उसमें कंपनी की जो मार्केट प्राइस है, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्या होगा जी, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस बढ़े हुए प्राइस को बोलते हैं कम राइट।
मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं इसे, कम राइट मार्केट प्राइस। कम राइट मतलब जब कंपनी ने राइट अनाउंस किया, जब कंपनी ने राइट शेयर अनाउंस करे तो मार्केट में खलबली मच जाती है। खलबली मचने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। भाई जब सस्ता मिलेगा तो सारे लोग उस तरह भागने शुरू हो जाएंगे, और जब डिमांड क्रिएट होनी शुरू होगी तो प्राइस अपने आप ही मार्केट में क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये कम राइट एमपीएस निकलेगा कैसे, ये कम राइट एमपीएस निकलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इनटू कम राइट एमपीएस प्लस में राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय, ये कम राइट नहीं, ये मैं निकाल रहा हूं सॉरी, एक्स राइट एमपीएस। हाँ जी, कम राइट तो वही हो गया ना जो शेयर का बाजार, शेयर का भाव मार्केट में हो जाता है। दिस इज योर एक्स राइट एमपीएस। एक बार एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखिए जी, होता क्या है, इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये शेयर है, ये शेयर का प्राइस चल रहा है। जैसे ही कंपनी ने, ये शेयर का प्राइस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे ही कंपनी ने यहां पर राइट ऑफर किया तो सडनली प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। ये प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद राइट एक्सरसाइज होगी, फिर ये प्राइस अगेन गिरना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं कम राइट एमपीएस, इसको बोलते हैं कम राइट एमपीएस। और उसके बाद जो प्राइस निकल के आता है, दैट इज योर एक्स राइट मार्केट प्राइस। और एक्स राइट मतलब आफ्टर राइट, कम मतलब इंक्लूडिंग। जब राइट था, जब शेयर्स पे राइट था, तो वो शेयर प्राइस क्या, वो चीज क्या होगी, महंगी होनी शुरू होगी, शेयर महंगा होना शुरू हो गया। जैसे कि आप समझिए, फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास मोबाइल खरीदने गए और उसने बोला कि भाई मोबाइल के साथ एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मोबाइल का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्स राइट अगर मैं एमपीएस निकालूं, मतलब आफ्टर राइट, तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट एमपीएस प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स में क्या आ जाएगा, बिफोर राइट के भी और राइट शेयर्स भी, तो ये निकल के आएगा आपका एक्स राइट एमपीएस। और अगर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ राइट कि भैया राइट की क्या वैल्यू है, हाँ जी राइट की क्या वैल्यू है, तो राइट की वैल्यू निकल के आएगी आपकी कम राइट एमपीएस माइनस एक्स राइट एमपीएस। कि भैया राइट की वजह से शेयर कितना था और राइट के बाद शेयर कितना था, जो जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हो गया, दैट इज योर वैल्यू ऑफ राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके चैप्टर में, एक बार देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन। 5-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसका, कुछ भी नहीं है ये। जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो इस टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अभी यहां पर समझने का ज्यादा कुछ लॉजिक बनता नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं आपके साथ, ये देखिए। जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो कहता है कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 144 बेसिस एंड कम राइट एमपीएस ऑफ द शेयर इज 150। वो कह रहा है ₹150 का शेयर कंपनी कितने में ऑफर कर रही है, 100 प्लस 25 प्रीमियम, मतलब ₹125 का ऑफर कर रही है। ₹125 क्या है, ₹125 आपका राइट प्राइस, क्या है आपका राइट प्राइस। और कम राइट मतलब जब राइट अनाउंस किया तो सडनली प्राइस बढ़ गया, कितना प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, वो ₹150 का हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट इज एक्स राइट एमपीएस ऑफ द शेयर। तो पहले एक्स राइट बताइए, एक्स राइट एमपीएस कैसे निकालेंगे बताइए। नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं बोलूं एक्स राइट, यानी कि राइट के बाद शेयर प्राइस क्या रहेगा, एक्स राइट एमपीएस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट बताएंगे जी, 1 for every 4 बेसिस, मतलब नंबर ऑफ शेयर मान के चलते हो 4 थे, 4 into 150, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट एमपीएस प्लस राइट शेयर, राइट शेयर कितना है 1 और राइट प्राइस कितना है 125, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, दैट इज 4 plus 1। तो ये निकल के आएगा आपका कितना, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये निकलता है आपका 4 into 150, 4 into 150 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 5, ये निकल के आ गया आपका 145। 145 क्या निकल के आया आपका, 145 इज एक्स राइट एमपीएस। एक्स राइट मतलब ये वाला,
राइट के बाद, जब राइट सब्सक्राइब हो गए, किसी ने राइट सब्सक्राइब कर लिया होगा, किसने अपने राइट को भेज दिया होगा और किसने राइट को कैंसिल कर दिया होगा, कुछ नहीं किया होगा, यानी कि राइट खत्म होने के बाद शेयर का प्राइस क्या रह गया, 150। और जब राइट अनाउंस किया था तो शेयर का प्राइस महंगा होना चाहिए, तो कितना था, 150 था। तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट की वजह से वैल्यू कितनी क्रिएट होगी, वैल्यू ऑफ राइट, राइट की वजह से वैल्यू कितनी क्रिएट होगी भैया, 150 माइनस 145, 5 रुपए महंगा हो गया बिकॉज ऑफ राइट। तो एक वैल्यू, एक राइट की क्या वैल्यू रह गई है सर, 5 रुपए। ठीक है जी, तो ये एक आपका बेसिक सा टॉपिक था अबाउट राइट शेयर्स। तो इसी के साथ हमने अपने सिंगल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, ये 4 चैप्टर्स को आपके साथ कंप्लीट कर दिया है। बताइए जी, क्लियर है जी? तो ये 4 चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट, सिंगल एंट्री, बोनस इश्यू, राइट इश्यू एंड प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब आपको क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, आज है आपका ट्यूसडे, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मिलेगी संडे को। ठीक है, तो संडे तक आपको ये चारों चैप्टर के क्वेश्चंस तो करने ही करते हैं। सिंगल एंट्री में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, प्री एंड पोस्ट, बोनस, राइट, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इनकी फटाफट इनको कर दीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। प्लस आपको अपने चैप्टर को रिवाइज करके रखना है, कौन से चैप्टर को रिवाइज करके रखोगे, इनके साथ साथ आप चैप्टर रिवाइज करोगे, ज्यादा मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि अभी आपके पास काम काफी है। एक तो आप चैप्टर रिवाइज करके रखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, दूसरा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, और तीसरा आप रिवाइज करके चलोगे AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, और ये हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट। ये 3 चैप्टर आप रिवाइज करके चलोगे इन द वीडियो ऑफ संडे, जो आपको संडे को वीडियो मिलेगी। आपके पास है 4 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और संडे भी होगा क्योंकि आफ्टरनून तक वीडियो आती है आपके पास। तो ये 4 साढ़े 4 दिन है, आप इन 4 साढ़े 4 दिन में पुराना प्लस आगे के 3 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके चलो। क्लियर है जी? चलिए फिर, हाँ जी चलिए, अब हम कंटिन्यू करेंगे संडे वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बता दीजिए कि रिवीजन सीरीज चल रही है अकाउंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट, आइए और इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है जी, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे संडे वाली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।